तो आज की वीडियो में हमने ट्राई किया फेमस यूट्यूबर वैम्पायर वाइटी के न्यूली ओपन कैफे वैम्पायर कैफे का मेन्यू। क्या अपने नाम की तरह फूड भी काम कर रखा है या नहीं, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस एज के अंदर कैफे बना लिए वो कैसे यार, हम तो इस वक्त 16 साइकिल भी नहीं ले पा रहे इस उम्र में। हाँ तो माजिद, ओए माजिद तो है ही नहीं यार, तो सबसे पहले चल के माजिद को ज्वाइन करते हैं और उसे घसीटते हैं उसकी ऑफिस से। उसका ऑफ टाइम हो चुका होगा, चलो भाई उसको ऑफिस से चल के उठाते हैं। ये माजिद का ऑफिस FTC बिल्डिंग में होता है, वो अभी ऊपर चलना पड़ेगा। है तो फर्स्ट फ्लोर पे ही, तो लिफ्ट का इस्तेमाल करें या सीढ़ियों से चलते हैं? यार लिफ्ट को नीचे आते आते टाइम लग जाएगा, ऐसा करते हैं सीढ़ियों से ही चलते हैं। भाई पहुंच चुके हम लोग माजिद की ऑफिस और उसको ना चुपके से गरेबान से पकड़ते हैं। चलो चलो चलो। अब माजिद को चुपके से गरेबान से पकड़ना था लेकिन माजिद को पता लग गया यार कैसे माजिद ठीक ठाक मजे में। यहाँ पे तुम क्या मैनेजर लगे हुए हो क्या? हो बात करो, मैनेजर हो जाए सर, अभी तो जूनियर क्लर्क है। माजिद ऑफिस तो बड़ा अच्छा है यार, तुम हमारी तरह मैट्रिक फेल हो, यहाँ पे तुम्हें जॉब कैसे लग गई? और भाई सीरियस नहीं ले लेना कि ये मैट्रिक फेल है, इतनी आसान मैट्रिक फेल किया मैट्रिक फेल। हाँ और अभी तो पढ़ाई इसकी आधे में चल रही है, अभी क्या मास्टर क्या चल रहा है अभी तुम्हारा? हाँ वो भी एंड है ना बिल्कुल मास्टर। भाई मैट्रिक फेल पे यहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं मिलती, मैं ऐसी मजाक कर रहा था। अच्छा तो व्यूअर्स हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर रखने वाले वैम्पायर वाईटी के कैफे वैम्पायर कैफे में। तो व्यूअर्स यहां पे आपको दिखाएंगे कि भाई यहां का माहौल क्या है, यहां का एम्बियंस क्या है, यहां का सिटिंग एरिया क्या है, यहां का मेन्यू क्या है, यहां पे क्या मतलब हलचल चल रही है, और ये भी जानेंगे कि भाई यहां के फूड में माजिद भाई मजा है भी या फिर अपने नाम से बस इसको चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं मजा आएगा। मैं थोड़ा सा इस चीज में परेशान हूँ, ये वैम्पायर के नाम से इतना रेस्टोरेंट है कि ये कोई हमें चाइनीज की तरह कोई वैम्पायर तो नहीं खिला देंगे यहाँ पर? अबे भाई ये तो पता करना पड़ेगा, ये ना हो कि चिकन के नाम पे वैम्पायर छपे हुए हैं। हाँ यहाँ के वेटर का होलिया भी उस तरह बना हुआ है, वो बेलन चाव नहीं है क्या बोला तूने? यार मनु इस फिल्म का जो वो करेक्टर है ना, वो जब बैंक लूटते हैं वो पूरा ड्रेस पहन लेते हैं। अच्छा है ना, यहाँ पे हमें नैरोबी भी नजर आएगी चलते फिरते गंदे। चले आए आपको यहाँ पे नैरोबी भी दिखाते हैं, ये रहे नैरोबी। अस्सलाम वालेकुम, जरा आप अपना दर्शन करवाए ना। अबे ये तो नैरोबी नहीं, ये तो मर्द है कोई, और नैरोबी कैरेक्टर तो वो औरत का होता है ना वहाँ पे। नैरोबी तो औरत होती है। क्या हाल है भाई, ये होलिया क्यों बनाया हुआ आपने? ये सर हमारे होटल का लोगो है, हमारे लिए स्पेशल यूनिफॉर्म। हाँ नाम के हिसाब से भी आप लोगों ने जो ना अपना बेटा बनाया हुआ है, क्या बात है क्या बात है। चले अभी आपको जो ना फैमिली हॉल का जो ना विजिट करवा देते हैं। बहुत तेजी खैर भाई, फुल अंधेरा फुल डरावना माहौल लगा पड़ा है यहाँ पे। तो ये कैफे दरअसल कैफे कम चमगादड़ों का रेस्ट हाउस ज्यादा लग रहा था। ये कहीं से खोपड़ियां बाहर हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दीवार से कोई नहीं छुपके यूं करके देख रहा होता। वैसे हुआ, मैं एकदम डर गया भाई। इस तरफ देखो वो तेरी, ये देखो भाई स्केलेटन जो है ना टंगा हुआ है यहाँ पे, और सामने ये क्या, वो चुड़ैल, और ये इस तरफ आओ। अबे भाई ये क्या लटक रहा है? अबे मेरे भाई यहाँ पे बंदे क्या खाएगा, यहाँ पे तो हलक से निवाला ही नहीं होती, नीचे नहीं उतरेगा। ये डराना है, ये खिलाना है, डराना है, डरा के खिलाना है, डरा डरा। अब जरा खौफ के भूतों को तोड़ने के लिए हम लोग फैमिली हॉल से बाहर आ गए। और ये मुझे नहीं मार दीजिएगा बस यार, वो रूह असल में तो नहीं, जिनकी रूह आ गई आज आ भी गई है। आ जाओ तुम, आपको लोग भाई लोग आप, मैं जा रहा हूँ ये लेके जा, लेकिन आवाजें आए ना खौफनाक तो मुझे बचाने आ जाना भाई। देखो लोग आपको क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब, वजह बताओ। ये अभी आप जो है ना लोगों को बोले सब्सक्राइब करें यार, सारे के सारे एक काम करो सब्सक्राइब कर दो। हाँ वरना मैं आ जाऊंगा। आ जाएंगे पाप हम, ये डंडा जरूर लेकर आइएगा। हाँ ये डंडा भी लेके आएंगे। अच्छा मुझे माशाल्लाह आपने इस एज के अंदर कैफे बना लिए, वो कैसे यार, हम तो इस वक्त 16 साइकिल भी नहीं ले पा रहे इस उम्र में। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं हम शुद्ध गरीब है यार, बस मेहनत की है 7 साल लगाए यूट्यूब पे। अल्लाह पाक और आपको तरक्की दे और हमारे लिए भी दुआ करें, और सब्सक्राइबर ऐसे कह दें व्यूअर्स से कि सब्सक्राइब करें MSM ब्लॉग, MSM ब्लॉग्स को भाई सब्सक्राइब कर दो सारे जो भी देख रहे हैं ना। वो तो आपने सुना ही है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो आइए जरा एक तिरछी नजर मेन्यू पे मार देते हैं। ये चाय आ गई, उसके बाद रोल है, तावा है,
और ये क्या पराठे हैं, इसके अलावा फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा वीज़ा है, स्टार्टर है, ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, और इस तरफ बस भाई इतना ही है। और यहाँ पर है कुछ ना कुछ, यहाँ पे है शेफ़ स्पेशल रिकमेंडेशन भाई, इसके अंदर है ब्लडी वैम्पायर ड्रिंक है और वैम्पायर स्पेशल बीफ बर्गर है। तो जनाब अगर यहाँ की बात की जाए तो मेन्यू में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल ही है, लिमिटेड ही है मेन्यू, जिस तरह वो खुद हैं वैम्पायर वाइटी लिमिटेड से, तो उतना ही है। तो ज़रा हम लोग फिर अब यहाँ पे आए हुए तो माजिद क्या ट्राई हो जाए यार, अगर इसकी स्पेशलिटी ट्राई हो जाए ना तो वो बहुत बेहतर बेहतर रहेगा ना, हर जगह की अपनी स्पेशलिटी अलग ही होती है। हाँ। तो सारी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन यार सही भाई ये स्पेशलिटी में सिर्फ वैम्पायर वैम्पायर है, मुझे बड़ा डर लग रहा है कोई वैम्पायर का ब्लड ना डाल रहे हो या कुछ वैम्पायर खिला दे खिला दे यार, ये थोड़ा पूछ लेना। नहीं ये तो थोड़ा सा पहले सुन के फिर खाना हमारा ये खूबसूरत बर्गर इन खूबसूरत भाई ने तैयार किया है। भाई आपका नाम? हदीद। हदीद? यस। जनाब आली हमारा ऑर्डर आ रहा है बड़े शहाना अंदाज में, और ये देखें बॉक्स में आ रहा है, ये पेटी है, खजाने वाली पेटी लग रही है। हाँ दिखने में तो ये बर्गर भूखे पेट का दुश्मन और मन को ललचा देने वाला दिख रहा है, लेकिन एक सेकंड ऊपर से ये लाल सुर्ख मिर्च मार के देने की क्या वजह है ये समझ नहीं आ रही। इस बहस को रफा दफा किया और 36 इंच का मुंह खोल के बर्गर ट्राई किया, मुंह इतना फाड़ना पड़ा कि जबड़े में तड़क सी आवाज आई है। जितना ये दिखने में स्पाइसी लग रहा था ना, क्योंकि इसके ऊपर भी सॉस डाल दी और अंदर भी इतनी डाल दी थी, तो उस वजह से थोड़ा स्पाइसी लग रहा था दिखने में, लेकिन खाने में उतना स्पाइसी नहीं है। ये सॉसेस तो सॉसेस, इसकी जो बीफ पेटी है ना उसके अंदर भी इतने मसाले आपको फील नहीं होंगे। स्पेशल इन्होंने बोला है, शायद वो स्पेशल इन्होंने बच्चों की वजह से बनाया ताकि स्पाइसी कम हो और बच्चे आराम से इंजॉय कर सकें। जितनी देर हम लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं हमने ये देखा है कि बच्चों की तादाद जो है ना यहाँ पे किड्स की वो कुछ ज़्यादा ही है, वो शायद वैम्पायर वाइटी से प्यार और मोहब्बत की वजह से ज़्यादा है, तो इसी वजह से इन्होंने इस बर्गर को रखा भी उस तरीके का ये, ताकि बच्चे मम्मा मम्मा मिर्ची स्पाइसी ये ना कर सके, आराम से खा सके। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। और जितनी चीज दिखने में बड़ी लग रही थी ना उतना हैवी टेस्ट चीज का आया नहीं जितना आना चाहिए था। और बीफ पेटी की जहाँ तक बात है तो यार उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जूसीपन मिस करा। तो जरा अभी ड्रिंक पे आते हैं भाई, इसका टेस्ट मैं आपको बताऊँ, 7 अप और अनार जैसा टेस्ट आ रहा है इसका। 7 अप और अनार को मिला दें, और साथ में थोड़ा सा मिंटी और लेमन ने भी जो है ना एंट्री मारी हुई है इसके अंदर, उसका भी टच आ रहा है, क्योंकि लेमन एक तो इसके अंदर भी डाले हुए हैं उस वजह से, और मिंट भी अंदर रखा हुआ है, तो उनका भी टेस्ट इस ड्रिंक के अंदर आ गया, उसका भी असर आ गया, टेस्ट आ गया। ड्रिंक का बताओ, ये इसमें कुछ है कोई गड़बड़ी जो तुम पहले डर रहे थे कि यार? अरे यार मैं ऐसी ब्लड ब्लड कर रहा था, वो एक्चुअली इनकी थीम ही रेड है, पूरी वैम्पायरी थीम है, इसको रेड रेड किया हुआ, बाकी तो अच्छा है कि मैं बेहतरीन है। अच्छा, और बर्गर के वो जो मीट था बीफ वाला लिखा था, बीफ था उसमें बीफ वाला टेस्ट लग रहा था है? कोई और लग रहा था यार, टेस्ट तो बीफ वाला ही लग रहा था, लेकिन अब ये खुदा जानता है कि वो क्या था। भाई तुम बोलो बोलो, अनदेखा हलाल होता है भाई, अनदेखा हलाल होता है, और तुम घुमाओ नहीं वरना उल्टी उल्टी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज हमारे भाई से मुलाकात हुई है ना, हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, मैं तकरीबन आपको 1.5 साल से देख रहा हूँ। अच्छा। 1.5 साल से मैं तब से देख रहा हूँ जब इनके 4,000 सब्सक्राइबर थे, आज माशाल्लाह 2.5-3 लाख पे होने वाले हैं। भाई इन भाइयों की सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हुआ, वरना हमारे में कहाँ हिम्मत है। नहीं आप डिजर्व करते हैं, आपकी मेहनत है माशाल्लाह, और अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, हमारी दिल से दुआ है, और हमारे लिए भी थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा आपके प्यारे अल्फाजों में सपोर्ट हो जाए हमारे भाई। भाई को भी लाजमी सपोर्ट करें, भाई का चैनल शान अनवर नाम है, शान अनवर नाम है, बड़ी शान और शौकत के साथ जो है ना इन भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। कर देना भाई यार, भाई ठोक दो, कर दो बस, कर दो भाई, फिर लबों से आवाज क्या आएगी? दम है भाई, दम है, कंटेंट में दम होगी हमारी।
ये बना हुआ है एक फ्लैट पे और ये लंबा सा आपको फ्लैट नजर आ रहा होगा और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बनाया हुआ है। साथ में ये सिटिंग है जहाँ पे लोगों के बैठने की जगह है और एक उस तरफ भी है, वो आपको कुर्सियां लगी भी नजर आ रही होंगी। बाकी लोकेशन गूगल मैप पे आपको आसानी मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, आज के बर्गर की प्रेजेंटेशन किस किस को अच्छी लगी और बीफ बर्गर किस किस का स्पेशल है और फेवरेट है, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। भाई तुम कुछ कह रहे थे क्या? भाई हम चल रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार हो गए घर जाने के लिए। ये देखें, ग्लव्स पहन लिया, चप्पल पहन लिया, यार ऐसा नहीं करो यार। तो व्यूअर्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, अगर ना भी आई तो लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ दूसरी जबरदस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।